एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का यह पूरा मामला है। आज से शुरू होगा शाही ईदगाह का सर्वे। सीनियर डिवीजन जज के आदेश पर सर्वे। रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और मामले में नक्शे का सर्वेक्षण भी शामिल है। 20 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। न्यायाधीश सोनिका वर्मा सुनवाई करेंगे। हिंदू पक्ष की अपील पर सर्वे कराया जा रहा है। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। तो जो सर्वे रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। क्या कुछ सुनवाई में हो सकता है इसका इंतजार इस समय किया जा रहा है। रिपोर्ट में सर्वे की जो रिपोर्ट होगी उसको सौंपा जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला, मामले में नक्शे का सर्वेक्षण भी शामिल किया गया है। 20 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। तो 20 जनवरी को मामले की सुनवाई और इंतजार सभी कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला 20 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की अपील पर सर्वे कराया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना मामला है, हालांकि अब इसकी सुनवाई होगी। 20 जनवरी को सुनवाई होनी है। देखना होगा क्या फैसला आता है। आज से शुरू होगा शाही ईदगाह का सर्वे। तो आज से शाही ईदगाह के सर्वे की शुरुआत हो जाएगी और आज से जो शुरुआत होगी फिर उसके बाद रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। अमित शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, आज से शाही ईदगाह के सर्वे की शुरुआत हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आज मथुरा में शाही ईदगाह की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट भी जा सकता है और हो सकता है कि आगे भी कोई तारीख टाल दी जाए, और जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष काफी गंभीर दिखाई दे रहा है और हिंदू पक्ष में भी काफी गुस्सा दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के मथुरा से हाईकोर्ट के लिए भी जाया जा सकता है। जी काजल, क्योंकि इंतजार सभी कर रहे हैं, 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है, उसका इंतजार ज्यादातर लोगों को है। जी बिल्कुल बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा में पुलिस प्रशासन भी पूरा हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है, जिसको शाही ईदगाह को लेकर, और मुस्लिम पक्ष भी अपनी आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है, और जिसको लेकर कोई केक नहीं है, जिसको लेकर कहीं और वो कर दिया जाए, मस्जिद जहाँ है वहीं रहेगी। वहीं हिंदू पक्ष भी इस बात को लेकर लगा हुआ है कि आगे की कार्रवाई हो और जल्द ईदगाह का मामला। अमित, ईदगाह का सर्वे आज से शुरू हो रहा है, आसपास का माहौल कैसा है, क्या उपद्रव फैलने की आशंका तो नहीं है? जी बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज ईदगाह को लेकर के जो सुनवाई होने जा रही है उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी भारी अलर्ट दिखाई दे रहा है, और मथुरा में दोनों ही पक्ष गंभीर दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ से एक हो रहा है कि भाईचारे की एक मिसाल कायम की जा रही है, और दोनों ही पक्ष एक कोर्ट के आदेश के लेकर तैयार बैठे हुए कि कोर्ट क्या आदेश देती है और आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जी काजल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश में इस मुद्दे को लेकर माहौल बना हुआ है, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें कोई माहौल नहीं, वो सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही पक्ष कोर्ट के आदेश के लिए बने हुए हैं, और दोनों ही पक्षों का कहना है कि एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो मिसाल है उसको कायम करने के लिए तैयार रखे हुए हैं। दोनों ही पक्ष हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल को एक आगे भी उसी तरीके से देखते हुए कहना है, सभी दोनों पक्षों का ही कहना है कि जो भी होगा कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और मथुरा एक धर्म नगरी है जहाँ अभी तक जैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो चला आ रहा था वो आगे भी चला रहे, आगे भी कोई ऐसा माहौल पैदा ना हो जिसमें कि आगे जाके कोई अनहोनी जैसी संभावनाएं बने। जी काजल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंतजार किया जा रहा है क्या कोर्ट का फैसला आता है, हालांकि माहौल वहां का सामान्य है।